हेलो फ्रेंड्स, आज गल करांगे जगत गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी विखे निकलिया हुई टीचिंग ते नॉन टीचिंग पोस्टर्स की कितनियां पोस्टर्स है, क्वालिफिकेशन की रहेगी, सैलरी की रहेगी, लास्ट डेट की है, सारी गल करांगे जी। इस तरह दियां सारियां पोस्टर्स की जानकारी पाउण लई चैनल नूं सबसक्राइब कर लियो। जानकारी सब तो पहला पहुँचे इसलिए बैल आइकन जरूर प्रेस करो जी। ज़्यादा देर ना लाते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जिहड़ियां पोस्टर्स है जी टीचिंग स्टाफ ते नॉन टीचिंग स्टाफ दियां सीरियल नंबर 1 एंड सीरियल नंबर 2 दे लई जिहड़ी फीस रहेगी जी वह 1180 रुपए है। तो नैक्सट जिहड़ी फीस है 590 रुपए एससी एंड एसटी ते पीडब्ल्यू कैंडीडेट लई है। नॉन टीचिंग स्टाफ है जिहड़ा उहदे लई 590 रुपए जनरल कैटेगरी दे होणगे अते 295 रुपए एससी एसटी ते पीडब्ल्यू कैंडीडेट लई है जी। नैक्सट आपां अगे गल करदे हां, द एप्लीकेशन है जिहड़ी सबमिट होएगी ऑनलाइन मोड के थ्रू जी। हार्ड कॉपी है जिहड़ी मस्ट सबमिट करवानी है, हार्ड कॉपी भी जरूरी है। ऑनलाइन अप्लाई करन तो बाद एप्लीकेशन का प्रिंट कढ के जमा करवाना जी। नैक्सट आप चलते हैं अगे इंपोर्टेंट डेट्स से। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जिहड़ी डेट रहेगी जी वह है 28/4/2021। लास्ट डेट है जिहड़ी जी 19/5/2021 है, मतलब कि 14/5/2021 अच हो चुकी है तो 4-5 दिन बाकी ने। फीस दे 25/5/2021 लास्ट डेट है जी। तो एप्लीकेशन जिहड़ी सबमिट करवानी है वह रजिस्ट्रार जगत गुरु नानक देव पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी पटियाला दे तौर पर करवानी है। फीस किमें भरनी है वह तरीका भी आप अगे देखते हैं। पोस्टर की गिनती एक बार देख, प्रोफेसर कमर्स मैनेजमेंट 1, कंप्यूटर साइंस 1। क्वालिफिकेशन की गल कर लें जी, स्कॉलर है जिहड़ा पीएचडी डिग्री होनी चाहिए है तो घट्टो घट 10 पब्लीकेशन एज ए बुक या रिसर्च पेपर या पॉलिसी पेपर्स होने चाहिए है तो घट्टो घट 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वो टीचिंग का यूनिवर्सिटी या कॉलेज का ज नैशनल लैवल का जी। नैक्सट गल कर लें, कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए एजुकेशनल इनोवेशन के मेडिएटर लर्निंग प्रोसैस तो 400 पॉइंट होने चाहिए वे अकैडमिक परफॉर्मेंस इंडीकेटर APIच जा आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल होना चाहिए जी। नोट इन्होंने दिता हुआ, कैंडिडेट्स आर आलसो रिक्वायर टू सबमिट 5 सैट्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इनकलूडिंग देर कुरिकुलम विटे एंड 5 सैट्स ऑफ रीप्रिंट्स ऑफ 5 मेजर पब्लीकेशन इवैलुएशन पर्पज। मतलब कि घट्टो घट तुसी एक एप्लीकेशन फॉर्म के नाल आपदे जिहड़े डॉक्यूमेंट्स लगाओगे उहदियां 10-5 कापियां ने जिहड़ियां उह तुसी सबमिट करवाउणियां ने ते 5 कापियां ही आपदियां पब्लीकेशन दी सबमिट करवाउणियां ने ते नाल करनी है पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ है जिहड़ी उह सबमिट करवाउणी उही सबमिट करवाउणी है जिहड़ी एप्लीकेशन फॉर्म ते तुसी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने वेले अपलोड कीती सी जी। नैक्सट गल कर लें आप, रिलैक्सेशन इन्होंने क्या हैगा 5% होगी। एसोसीएट प्रोफेसर की गल कर लें, कंप्यूटर साइंस IT की एक पोस्ट की। क्वालिफिकेशन है जिहड़ी जी PhD डिग्री होनी चाहिए है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए है घट्टो घट 55% मार्क्स नाल ते 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग या रिसर्च का ते कंट्रीब्यूशन होना चाहिए एजुकेशन इनोवेशन के मेडिटेट टीचिंग लर्निंग होनी चाहिए है ते 300 पॉइंट का API होना चाहिए जी, अकैडमिक प्रोफेसनल इंडीकेटर होना चाहिए जी। नैक्सट गल कर लें, नोट इन्होंने दिता है भी 5 सैट ने जिहड़ियां 5 कापियां ने थोड़ियां एप्लीकेशन फॉर्म के नाल सारे डॉक्यूमेंट्स दियां तुसीं जमा करवाउणियां ने 5 पब्लीकेशनस दियां ते पासपोर्ट साइज़ की उही फोटो नाल लगानी है, 2 लगा दिओ, एक जिहड़ी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ते तुसीं अपलोड कीती है उहदे नाल दियां सेम फोटोज़ लगा दिओ जी। 5% है जिहड़ा रिलैक्सेशन है वह होएगी। नैक्सट गल कर लें, असिस्टेंट प्रोफेसर पंजाबी 1, हिस्ट्री 1, पोलीटिकल साइंस 1, इकनोमिक्स 1, SC की पोस्ट है जी, इकनोमिक्स की सिख स्टडीज़ 1, ये भी SC की 2 पोस्ट ने जिहड़ियां इकनोमिक्स ते सिख स्टडीज़ दियां वो SC कैंडीडेट दे लई ने। क्वालिफिकेशन की गल कर लें जी, गुड अकैडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए एज डिफाइंड बाय कंसर्न यूनिवर्सिटी, घट्टो घट 55% मार्क्स होने चाहिए ने मास्टर डिग्री लैवल के। तो नैक्सट गल कर लें, नैट जिहड़ा UGC SCSR का सिमिलर टैसट है जिहड़ा UGC SLAT सैट राही क्लीयर किया होना चाहिए जी। कैंडीडेट है जिहड़े PhD डिग्री जां अकॉर्डिंग विद होर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन अवार्ड ने गे वह अप्लाई कर सकते हैं। प्रोवाइडड फरदर द रिवार्ड ऑफ डिग्री कैंडीडेट्स रजिस्टर्ड फॉर द MPhil PhD प्रोग्राम July 11, 2009 शैल बी गवर्नड। नैक्सट पॉइंट्स की गल कर लें जी, ABCD पॉइंट क्या है, उन्होंने PhD डिग्री होनी चाहिए, एवेल्यूशन PhD थोसिस होना चाहिए, ओपन PhD विवा वॉइस हो गए कैंडीडेट्स
टू रिसर्च पेपर देने होने चाहे देने पैणगे। कैंडीडेट हैज़ एटलीस्ट टू प्रेजेंटेशन होणगियां पी एच डी बेस दियाँ। नैक्सट गल कर लैंदे हां जी, नोट इन्होंने दिता कैंडीडेट आलसो रिक्वायर टू 5 सैट। ये फिर उही चीज़ इन्होंने दिती है जी, जिहड़ी पोस्ट लई तुसीं अपलाई करना ध्यान नाल समझ लियो। 5 सैट तो वो सबमिट कराने ही है, 5 सैट थोड़े डॉकूमेंट्स के, 5 सैट ही रिसर्च पेपर बुक्स के। तो नैक्सट गल कर लें, फोटो है जिहड़ियां उही फोटो दो लगानियां ने तुसीं जिहड़ी ऑनलाइन अपलाई करने वेले अपलोड करोगे जी, ये गल ध्यान नाल सुन लियो। हुण गल कर लें जी डिटेल्स ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ पोस्ट की। नॉन टीचिंग स्टाफ पोस्ट कि पोस्ट ने गल करते हैं, फाइनेंस ऑफिसर की एक है जी, लाइब्रेरियन की एक है, परसनल पीए की एक है, असिस्टेंट सीनियर की एक है जी, स्टेनोग्राफर एक है, टैक्निकल असिस्टेंट दी दो ने, ड्राइवर दी भी दो ने जी। मैथड ऑफ रिक्रूटमेंट ते द अपॉइंटमेंट आर कंसर्न इन नेचर पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल के पीरियड लिए होणगियां, बाय डायरैक्ट रिक्रूटमेंट होगी जा ऑन द बेसिस ऑफ पेड राउंड होगी जा डेपुटेशन बेस से होणगियां जी। ये चीज़ा इन्होंने दसिया हुई हैं। नैक्सट आप गल करते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन है जी फाइनेंस ऑफिसर के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए है, कमर्स या मैनेजमेंट या एम बी ए घट्टो घट 55% मार्क्स के नाल, जहाँ सी ए है या सी एस है या आई सी डबल्यू ए अपलाई कर सकता है। पॉइंट बी के क्या है जी, इन्होंने घट्टो घट 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो ए जी पी 7,000 का हो, टेयर की सर्विस हो, ए जी पी ग्रेड 8,000 के नाल जी। नैक्सट गल कर लें, जहाँ इन्होंने कहा है कंपेयरेबल एक्सपीरियंस रिसर्च एस्टैबलिशमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूट हायर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जी, जहाँ 15 साल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस दे होने चाहिए, 8 साल एज ए डिप्टी फाइनेंस ऑफिसर दे होने चाहिए जी, जहाँ डिप्टी रजिस्ट्रार दे भी हो सकते हैं, जहाँ क्या है जी इन्होंने 15 साल का एक्सपीरियंस हो सी ए सी एस या आई सी डब्ल्यू, तो 10वीं पद्धर तक की पंजाबी जी पास की होनी चाहिए। लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए गल कर लें, मास्टर डिग्री होनी चाहिए है लाइब्रेरी साइंस की, 55% मार्क्स होने चाहिए है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए डिप्टी लाइब्रेरियन का, जा 18 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कॉलेज लाइब्रेरियन का। इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विस होनी चाहिए है, मिनिमम स्कोर है जोड़ा ए पी आई का परफोरेंस बेस से होना चाहिए जी, 10वीं पद्धर तक की पंजाबी है जी पास की होनी चाहिए। डिजायरेबल की गल कर लें, एम फिल या पी एच डी कैंडीडेट ने ज लाइब्रेरी साइंस लिए अपलाई करना तो उन्होंने पहल होगी। पी ए परसनल असिस्टेंट है जोड़ा उन्हें ग्रेजुएशन की होनी चाहिए है, 5 साल का एक्सपीरियंस या 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए है स्टेनोग्राफर का इन किसी भी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी के। इंग्लिश पंजाबी टाइपिंग है जी 40 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए है जी, ध्यान सुन लियो, इंग्लिश तो पंजाबी टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड की होनी चाहिए है, स्टेनोग्राफी स्पीड है जी एटलीस्ट 100 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, गुड वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए वो कंप्यूटर एप्लीकेशन की, तो 10वीं पद्धर तक की पंजाबी पास की है। डिजायरेबल है जी पी ए या यूनिवर्सिटी विच एजुकेशन इंस्टीट्यूट जे वह एक्सपीरियंस है उन्होंने पहल दी जाएगी, जे कम्युनिकेशन स्किल्स वधिया ने हिंदी इंग्लिश पंजाबी तो भी उन्होंने पहल दी जाएगी, डिप्लोमा या डिग्री की है तो भी पहल दी जाएगी, पोस्ट ग्रैजुएशन डिग्री की है तो भी पहल दी जाएगी जी। सीनियर असिस्टेंट की गल कर लें, बैचलर डिग्री होनी चाहिए है, एटलीस्ट 120 आवर्स कोर्स है जोड़ा कंप्यूटर का होना चाहिए है, जा ओ लेवल सर्टिफिकेट भी हो सकता है, तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए कलर्क, पंजाबी पद्धर 10वीं पद्धर तक की पंजाबी है जी उसने पास की होनी चाहिए है जी। तो पोस्ट शैल बी फिल्ड थ्रू कंपीटिटिव टैसट, टैसट के बेस से पोस्ट फिल होगी, प्रोफिशंसी या इंग्लिश एंड पंजाबी टाइपिंग भी हो सकती है जी। ये वधिया मौका है, बैचलर डिग्री ही जस्ट मंगी है, तो कंप्यूटर कोर्स सारे को होंगे, सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट तो सारे अपलाई कर सकते हो जी। नैक्सट गल करते हैं स्टेनोग्राफर की, ग्रैजुएशन होनी चाहिए हैगी, तो ये भी 120 घंटे का जोड़ा कंप्यूटर कोर्स इन्होंने मंगे है, तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेनोटाइपिस्ट का, तो 10वीं पद्धर तक की पंजाबी उसने पास की होनी चाहिए है। जोड़ा टैसट होएगा जी, ये प्रोफिशंसी टैसट कंपीटेटिव टैसट होएगा, प्रोफिशंसी टैसट भी होएगा इंग्लिश से पंजाबी टाइपिंग का। नैक्सट गल कर लें जी टैक्निकल असिस्टेंट की, जिन्होंने कंप्यूटर के एम सी ए की है बी टैक की है वह एलिजिबल ने, तो 1 साल का एक्सपीरियंस मंगया जस्ट ऑन सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट का, 10वीं पद्धर तक की पंजाबी पास की होनी चाहिए है जी। टैक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट लई तां काफ़ी कैंडीडेट एलिजिबल हो सकते हैं, अपलाई कर देना। सैकेंड पोस्ट है जी टैक्निकल असिस्टेंट की, लैंगुएज बेसिस की है जी, एम ए पंजाबी या रिलीजियस स्टडीज़ की कीती होनी चाहिए है, तो घट्टो घट 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च इन सिख थियोलॉजी चाहिए। प्रोफिशियंसी है जी कंप्यूटर टाइपिंग ते इंग्लिश पंजाबी दी होनी चाहिए है। एक्सपीरियंस जे किसी की ट्रांसलेशन है पंजाबी टू इंग्लिश दी जा इंग्लिश टू पंजाबी दी उसनू पहल दी जाएगी जी।
ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ 10ਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟ ਹੋਊਗਾ 10ਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੋਸਟਾਂ ਦੋ ਨੇ ਜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਪੋਸਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਦੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਸੇਮ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈਣੇ ਆ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡਡ ਹੋਣ ਦਾ ਸੇਮ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਪੰਜ ਪੰਜ ਸੈੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਉਹ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਦੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਭੇਜਣੇ ਨੇ, ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੈੱਟ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਾਏ ਪੋਸਟ, ਬਾਏ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਪੋਸਟ, ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੈਗਗੁਰੂ ਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਈ ਵੈਲਿਡ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਪਦਾ ਉਹੀ ਭਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਉਹੀ ਭਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸਕੈਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 150 KB ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 150 KB ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ 150 KB ਤੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਟੈਗਗੁਰੂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਟੈਗਗੁਰੂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਵੈਲਿਡ ਈਮੇਲ, ਰਜਿਸਟਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ CGPA ਜਾਂ OGPA ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏਗਾ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਫਟ ਕਾਪੀ ਨੇ ਸਕੈਨ ਐਂਡ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਐਂਡ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ। ਐਕਸੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। PDF ਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਰਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸਟ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਪੋਸਟਸ ਪਈਆਂ ਨੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਲਾਸਟ ਡੇਟ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੋਸਟਸ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਪੋਸਟਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਬੀ ਸੇਫ, ਸਟੇ ਕਨੈਕਟਡ, ਯੂ ਟੇਕ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੇਅਰ ਆਫ ਯੂਰ ਸੈਲਫ, ਬਾਏ ਬਾਏ।